हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इट इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज से हम जावा प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जावा आइडेंटिफायर्स टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो हु आर अ बिगिनर इन अ जावा प्रोग्रामिंग, सो दे कैन स्टार्ट लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं एंड जावा लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हमने एक टॉपिक आइडेंटिफायर्स हम समझने वाले हैं। व्हाट इज अ आइडेंटिफायर्स इन जावा। अगर जावा में आइडेंटिफायर्स हमें समझना है तो सबसे पहले हमें टर्म समझनी पड़ेगी कि आइडेंटिफायर्स एक्चुअली होते क्या है। सो इफ आई गिव यू सिनेरियो लाइक सप्लाइक देर आर ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें से आपको क्या है, आपका फ्रेंड फाइंड करना है। सो हाउ यू विल फाइंड, बाय हिज अ फेस, ठीक है, फेस के थ्रू। या फिर क्या करेंगे, आप उनका नाम ले सकते हैं, ठीक है, नाम के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। सो दीज आर दी थिंग्स। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल में से किसी पर्सन को, ठीक है। अब जावा प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, सो इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स, सो आइडेंटिफायर्स आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज इन जावा। एन आइडेंटिफायर कैन बी अ क्लास नेम, मैथड नेम, वेरिएबल नेम और लेबल नेम, ठीक है। सो एक प्रोग्राम में अगर हम आइडेंटिफायर कहें, सो वॉट आर द आइडेंटिफायर्स, सो आइडेंटिफायर्स कैन बी अ क्लास का नाम एक आइडेंटिफायर हो सकता है, मेथड का नाम एक आइडेंटिफायर हो सकता है, या फिर वेरिएबल का नाम एक आइडेंटिफायर हो सकता है। सो यहाँ पर हम बेसिक यहाँ पर प्रोग्राम अगर हम देखें, हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम। सो जावा में हम प्रोग्राम ऐसे ही बनाते हैं, हम क्लास बनाते हैं, ये क्लास का नाम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इस टाइप से, एंड क्लास के अंदर हम मैन मेथड क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है। सो इस टाइप से हम जावा में प्रोग्राम बनाते हैं। अब इस प्रोग्राम में से अगर हमें फाइंड करना है कि आइडेंटिफायर्स, हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रोग्राम, सो अगर हमें आइडेंटिफायर समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी जो डेफिनेशन दी है, इसकी जो डेफिनेशन दी है कि आइडेंटिफायर कैन बी ए क्लास नेम, मेथड नेम। सो यहाँ पर जो क्लास है, क्लास का नाम ये है, ठीक है, मेथड का नाम क्या है यहाँ पर मेन, एंड वेरिएबल नेम। सो यहाँ पर ये जो आर्क्स है, इट इज अ वेरिएबल नेम, सो इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर, एंड इट मे बी अ लेबल नेम। सो इफ वी ओके सो इफ वी फाइंड हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रोग्राम, सो हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर प्रेजेंट, सबसे पहला आइडेंटिफायर है क्लास का नाम, ठीक है। नेक्स्ट वन इफ वी सी, सो मेथड का नाम, यहाँ पर जो मेन मेथड है इट इज एन आइडेंटिफायर। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पे समझे, सो क्लास का नाम, स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास, स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास, सो यहाँ पर थर्ड आइडेंटिफायर है। Then fourth identifier is an args variable. It is an array type of variable. Next identifier is an a variable. A is a variable and it is a fifth identifier. So if we say how many identifiers are present in our program, so there are five identifiers. Okay. Then next, from the above example, we have following Java identifiers like test, main, string, okay. So you can also note down these points. Next, rules for defining identifiers. Why we need to define rules for Java identifiers? Java में हम program बना रहे हैं, ठीक है। So class name हम define करते हैं, method का नाम define करते हैं, या variable का नाम हम डिफाइन करते हैं। सो देयर वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर आती है,
ठीक है। सो कंपाइल टाइम एरर ना आए, सिंटेक्स एरर ना आए, इसलिए हम यहाँ पर क्या है रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जावा आइडेंटिफायर्स क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पर अगर हम रूल नंबर वन समझे, यहाँ पर अगर हम रूल नंबर वन समझे कि द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन अ जावा आइडेंटिफायर्स। सो कौन कौन से कैरेक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए जब हम जावा आइडेंटिफायर्स कर रहे हैं, या फिर मेथड का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, सो नेम क्रिएट कर रहे हैं। सो नेम क्रिएट करते टाइम कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम समझते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, अल्फाबेट कैरेक्टर्स एंड नंबर्स 0 to 9 एंड सम स्पेशल सिम्बॉल्स लाइक अंडरस्कोर एज वेल एज डॉलर सिम्बॉल। तो हम जब हम आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं जावा में, नेम डिफाइन कर रहे हैं, सो कौन कौन से कैरेक्टर्स हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ओनली दिस कैरेक्टर्स, हम ये 5 कैरेक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं जब हम आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं, लाइक क्लास नेम क्रिएट कर रहे हैं, या मेथड का नाम बना रहे हैं, या फिर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको सिर्फ कौन से कैरेक्टर्स यूज करने हैं, ओनली दिस कैरेक्टर्स अदर देन इट, सो इट विल गिव अ कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, इफ वी आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर वी विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। लाइक यू कैन सी हियर, जैसे कि यहाँ पर हमने रूल नंबर वन समझा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन यूज वाइल क्रिएटिंग वेरिएबल नेम, वाइल क्रिएटिंग वेरिएबल क्लास, वाइल क्रिएटिंग नेम ऑफ अ मेथड, ओके। सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन इंक्लूड, ओनली अल्फाबेट सिंबल्स, नंबर्स एंड सम स्पेशल सिंबल्स लाइक अंडरस्कोर एंड डॉलर। तो ये जो नेम है ये क्रिएट किया है, इट इज अ वैलिड नेम। एंड इफ वी यूज दिस काइंड ऑफ आइडेंटिफायर इन आवर प्रोग्राम, सो इट विल बी इनवैलिड, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने क्रिएट किया है लाइक अंडरस्कोर माय नेम, सो इट इज अ वैलिड, ओके। एंड इट इज लाइक यूजर अंडरस्कोर, सो यहाँ पर हमने एम्परसेंट का यूज किया है, सो इट इज नॉट अलाउड, इट इज अ नॉट अलाउड कैरेक्टर इन आवर आइडेंटिफायर, सो इट विल बी इनवैलिड केस, ओके। नेक्स्ट लाइक दिस वन ऑल्सो इट इज अ वैलिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं थर्ड रूल, सो देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन आइडेंटिफायर। लाइक एग्जाम्पल, अगर हम आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं जावा में, लाइक क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, सो अगर हम इस टाइप से अगर हम नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, सो उसके नेम के बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर स्पेस आती है सो इट विल बी इनवैलिड एंड कंपाइल टाइम एरर आएगी उस केस में। एंड हाउ वी कैन डिफाइन, सो इट इज अ वैलिड syntax. Next, if we talk a fourth rule, so identifiers are not allowed to start with a digit. ठीक है, so identifiers अगर हम create कर रहे हैं, class name बना रहे हैं, method name बना रहे हैं, या variable name बना रहे हैं, so उसकी जो starting है, उसके जो characters की जो starting है, वो number से नहीं होनी चाहिए। Like it is a valid case. मीन्स इस टाइप से नंबर से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर नंबर से स्टार्ट होगा सो इट विल बी इनवैलिड। नेक्स्ट, इफ वी अंडरस्टैंड रूल नंबर 5, सो जावा आइडेंटिफायर्स आर अ केस सेंसिटिव। एग्जांपल यू कैन सी हियर, लाइक हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है नंबर एंड नंबर, इस टाइप से हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। सो ये सारे लोअर केस है, फर्स्ट वन इज अ कैपिटल लेटर एंड दिस आर अपर केस, सो देर इज अ इंटरनली डिफरेंस कोलन नंबर टाइप ऑफ वेरिएबल, दिस नंबर वेरिएबल,
So this value will be exist. Identify caller, this uppercase letter number variable. So this value will be exist. इस टाइप से मीन्स इंटरनली क्या है, केस सेंसिटिव है, मीन्स हर एक कैरेक्टर इंटरनली क्या है, डिफरेंट है. देयर इज आल्सो डिफरेंस इन बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस. सो अगर हम यहाँ पे रूल नंबर 6 अगर यहाँ पे समझते हैं, सो देयर इज अ नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर्स, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू टेक मोर देन 15 लेंथ. ठीक, सो हम जावा में अगर हम आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं, लाइक क्लास का नेम भी बना रहे हैं, तो हमें क्या है, जो लेंथ लेनी है वो लिमिटेड लेंथ लेनी है. मीन्स इट शुड नॉट बी दिस केस स्टेबल. व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज अगर आपको एक्सेस करना है इतनी लेंथ की वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आपको इतने टाइम्स क्या है कोड राइट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दिस सेवंथ रूल, ठीक है, सो वी कांट यूज अ रिजर्व वर्ड एज एन आइडेंटिफायर. सो रिजर्व वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, इफ वी अंडरस्टैंड इट्स एग्जाम्पल लाइक वॉट आर द रिजर्व वर्ड्स. सो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, इस टाइप से जो इंटरनल कीवर्ड्स होते हैं, सो हम उनका यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स की तरह. मीन्स हम आइडेंटिफायर्स की तरह उनका यूज नहीं कर सकते. इस टाइप से अगर हम यूज करेंगे सो इट विल बी इनवैलिड, लाइक इंट, फ्लोट, डबल. सो ये सारे क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स. दीज आर रिजर्व वर्ड्स लाइक इंट, डबल. दिस इज अ इनवैलिड केस. ठीक है, सो हम रिजर्व वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर. रूल्स यहाँ पे समझ में आए होंगे. व्हेन वी क्रिएट आइडेंटिफायर व्हाट आर द रूल्स वी हैव टू फॉलो. ठीक है, तो समझते हैं प्रोग्राम में किस टाइप से कंपाइल टाइम एरर आती है इफ वी डोंट फॉलो दिस रूल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर जो नोटपैड प्लस प्लस है उसकी स्क्रीन पर यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, क्लास क्रिएट की है एंड मैन मेथड क्रिएट की है. ठीक है, सो हम जैसे प्रीवियस एग्जांपल देखा था, हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, वो नोटपैड पर बनाया था. सो हम जो हमारे जावा के प्रोग्राम्स है वो नोटपैड प्लस प्लस पर भी बना सकते हैं. इट गिव्स अ मोर फीचर्स देन इट. सो अगर आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं तो आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. इट गिव्स अ मोर फीचर्स. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें वेरिएबल क्रिएट करना है. सो यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं लाइक अब यहाँ पर हम ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं या नहीं हम प्रैक्टिकली यहाँ पर चेक कर. यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन अ सीएमडी पर क्लिक करना है. सो जहाँ पर जो हमारी फाइल है जावा की वो प्रेजेंट होगी, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो पाथ है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, एंड हम जो हमारी फाइल होती है जावा की वो किस टाइप से हम कंपाइल करते हैं, क्या कमांड हमें देनी पड़ती है, तो यहाँ पर हम जावा सी कमांड का यूज़ करते हैं, डेमो डॉट जावा. इस टाइप से यहाँ पर एरर जनरेट होगी, मीन्स सिंटेक्स एरर यहाँ पर जनरेट होने वाली है. इस टाइप से इफ वी यूज अदर सिंबल्स लाइक अंडर स्कोर एंड वी आर राइटिंग एनी नेम लाइक इस टाइप से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, करें इसे सेव कर रहे हैं कंट्रोल एस की हेल्प से. एंड अगेन से जो हमारी सी एम डी विंडो है इस पर क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम. सो जावा सी डेमो डॉट जावा कंपाइल कर रहे हैं, देन यू कैन सी हियर इस टाइप से यहाँ पर एरर जनरेट होने वाली. ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर अदर सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते. ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है विच इज अ वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर. इसमें से आपको फाइंड आउट करना है एंड आप प्रोग्राम बना के भी टेस्ट कर सकते हो. ओके, विच इज अ वैलिड, विच इज अ इनवैलिड आइडेंटिफायर. ओके, सो आज के लिए में हमने आइडेंटिफायर टॉपिक डिस्कस किया है, व्हाट आर द रूल्स वी हैव टू फॉलो फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर इन अ जावा प्रोग्राम. ठीक,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए लर्न करना है तो लर्नेट पे आइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।